अब आप देखते हैं कि केसी टाइप वन क्वेश्चन जो है वो किस किस्म का आता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो ये एक स्टेटमेंट इसके लिए लिखें, वो ये है इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन इज गिवन फाइंड केसी। ठीक है, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन गिवन होगी, आपने सिर्फ और सिर्फ जो है वो पुट करनी है, वैल्यूज पुट करके फाइंड करना है आंसर। एग्जांपल देखते हैं, एच टू प्लस आई टू गिव्स टू एक्स आई। ठीक है, मैं पूरी पूरा क्वेश्चन तो फोर्स में नहीं लिख रहा, वो बहुत देर हो जाएगी और उसमें बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन एच टू की कॉन्सेंट्रेशन जो उसने दी हुई है आपको क्वेश्चन में वो 2.5 × 10⁻³ है, और आई टू की 2.6 × 10⁻³ है, और इसकी जो है वो 1.7 × 10⁻²। अब केसी की एक्सप्रेशन लिख के इसका आंसर फाइंड करें, शाबर सब करें, मैं भी करता हूँ, आप भी करें। टू स्क्वायर ओवर 10⁻³, 2.6 × 10⁻³। ठीक है, इसका आंसर क्या आ रहा है, किसी ने निकाला, निकालेगा ये निकाले, 44.46 आंसर आ रहा है, एक बचेगा। तो ये इसका आंसर, यूनिट्स क्या होंगे इसके, 9 यूनिट्स, क्योंकि ऊपर भी स्क्वायर है और नीचे भी स्क्वायर हो जाएगा तो काट जाएगा, तो 9 यूनिट्स। ठीक हो गया, एक और क्वेश्चन करें। 2SO2 + O2 = 2SO3। इसकी इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन 1.5 है, इसकी 0.75 है, इसकी की है 2.5। केसी करें, फाइन करें, ये मैं भी करता हूँ, मतलब डायरेक्टली लिख लेते हैं। अब आगे जी आंसर क्या है सबका, यूनिट्स भी फाइन करने हैं। ठीक है, ये आंसर है 3.7 आ रहा है। ठीक है, यही आंसर, यूनिट्स क्या होंगे देखें, मोल Dm-3 स्क्वायर है, मोल Dm-3 स्क्वायर है, मोल Dm-3 कैंसिल हो गया, ये ऊपर चला गया, तो यूनिट जो है वो मोल -1 Dm³ है। अंडरस्टूड, ठीक हो गया। तो ये इस तरह जो है वो आपने इनको देखना है। अब जो है वो अगली चीज जो है वो केसी टाइप टू क्वेश्चन है, थ्री टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना केसी में, अब टाइप टू करते हैं। ठीक है, देखिए टाइप टू क्वेश्चन, ठीक है, उसमें क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज गिवन इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज गिवन अच्छा।
जी, टाइप टू क्वेश्चन में ये हो रहा है कि इनिशियल मोल्स आर गिवन, इक्विलिब्रियम मोल्स आर आल्सो ऑफ इक्विलिब्रियम मोल्स ऑफ वन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज गिवन एंड टोटल वॉल्यूम इज आल्सो गिवन, फाइंड केसी। मैं क्वेश्चन लिखता हूँ आपके सामने और ये आपने मुझे करके देना है। इक्वेशन है हमारे पास केमिस्ट्री की अलमशहूर और मरूफ हेबर प्रोसेस की इक्वेशन, 2NH3। ठीक है, मुझे पता है कि आपको नहीं आता ये करना, ठीक है, तो मैं आपको तरीका बताऊंगा, फिर आपने उसके बाद इसको खुद प्रैक्टिस करते रहना। देखिए, इसके लिए करना आपने ये है ना, कि आपने ना एक टेबल बना लेना आइस, ठीक है, ICE आइस, ठीक है, वो वाली आइस नहीं, ये वाली आइस है, ठीक है, और वो आइस, वो वाली आइस, वो गाना आइस नहीं है, वो वाला गाना नहीं, ठीक है, ये वाली आइस। तो यहाँ आपका, आपकी सोच ही गलत है। अब देखिए, आप आपने करना ये है कि आप इनिशियल मोल्स कितने हैं, ठीक है, फिर आपने देखना है चेंज इन मोल्स क्या है, फिर आपने इक्विलिब्रियम मोल्स कितनी है, और फिर आपने बतानी है इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, ठीक है। तो इसके लिए आपने करना ये है ना कि आपने बेसिकली एक टेबल बना लेना है, ये आपने चाहे एमसीक्यू आए या चाहे ये जो है वो उसमें आए थ्योरी में, आपने इस तरह का टेबल जरूर बनाने, आपको बहुत हेल्प करेगा। क्वेश्चन में गिवन है जो वैल्यूज, मैं वो लिख देता हूँ कि इनिशियल मोल्स N2 के 1.431 है, H2 के 2.053 है, और इक्विलिब्रियम में H2 जो है वो 1.84 प्रेजेंट है, ठीक है, और टोटल वॉल्यूम जो दिया हुआ है वो है 1.2 dm³। फाइंड द आंसर। मुझे पता आपको नहीं पता, तो मैं आपको सिखाता हूँ, अब गौर से सुनिएगा। H2 जो है वो इक्विलिब्रियम में 1.84 है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेशियो 1, 3 और 1, ठीक है, 2.053 को किससे माइनस करें तो 1.84 आता है, करें जी किससे करें, 0.213 से, ठीक है। अब ये आप देख सकते हैं 3 है, सॉरी, ये आप देख सकते हैं कि 3 है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1:3:2 है, ठीक है, अब 3:0.213 को 3 से डिवाइड करें तो आपके पास जो आंसर है वो आता है 0, और कर लिखते हैं 0.071, ठीक है। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करें क्योंकि यहाँ पे 2 रेशियो है, तो 0.142, ठीक है, ये 0 हो जाएगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि इनिशियल में स्टार्ट में अमोनिया तो भी प्रोड्यूस होना शुरू नहीं हुआ ना, हमने जब N2 और H2 डालेंगे फिर वो बनेगा, तो वो तो इनिशियल की बात हो गई, तो इनिशियल में शुरू में 0 तो नहीं डाल जाएगा ना, तो 0 और 0.142 ऐड करें तो 0.142 आता है, इसको और इसको माइनस करें तो ये आता है, इसको प्लस करें तो इसको और इसको भी माइनस करेंगे। ये याद रखें हमेशा कि इस तरह के टेबल में रिएक्टेंट साइड पे हम जो है वो माइनस करेंगे और प्रोडक्ट साइड में हम प्लस करेंगे, ठीक है, 1.431 माइनस 0.071 करें तो 1.36 आता है, यहाँ पे 1.84 ऑलरेडी हमें दिया हुआ था क्वेश्चन में। अब इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन हमें फाइंड करनी है, तो इक्विलिब्रियम
अच्छा ये तो मोल है, कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है? मोल पर डीएम क्यूब, डीएम क्यूब वॉल्यूम, वॉल्यूम 1.2 दिया हुआ है, 1.36 ओवर 1.2 करोगे तो 1.13 आता है, 1.84 ओवर 1.2 करोगे 1.2 करोगे तो आंसर आएगा 0.118। तो ये इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन जो है वो आपके पास आ जाएगी। इसके बाद आप क्या करोगे, अब आपने केसी फाइंड करना है। अब एक्सप्रेशन लिखेंगे केसी की, NH3 स्क्वायर N2 H2 क्यूब। अब वैल्यूज पुट करेंगे, वैल्यूज कौन सी पुट करेंगे, वैल्यूज आप ये वाली पुट करो 1.13, 1.53, 0.118। तो पुट करें 0.118 ओवर 1.13 1.53 क्यूब। आंसर फाइंड करें क्या आता है, तो मैं भी तो कर रहा हूँ ना, आप भी करें। कैलकुलेटर के बगैर आप आगे से कितनी क्लास में, इसका जो आंसर है वो आता है 3.44 इंटू 10^-3। यूनिट्स क्या होंगे, यूनिट्स फाइंड करें, यूनिट्स आप फाइंड करेंगे जी। मोल -2 डीएम 6, तो ये जो है ये फाइनल आंसर है केसी का। ठीक है, किसको समझ आ गई, समझ आ गई, सब कुछ समझ आ गई, गुड। अब अगला क्वेश्चन जो मैं आपको दूंगा वो आपने खुद कर, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करोगे तो अगला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होगा, वरना अगला भी ये जो है वो सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, अगले टाइप का क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि अगले टाइप का क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं आपको आसान क्वेश्चन देता हूँ, ये नहीं, अब ये वाला क्वेश्चन देता हूँ। आसान किस क्वेश्चन में दूँ, आसान क्वेश्चन दे देगी तो आप लोग ऐसे हो गए। अच्छा, अब जो है वो हम आगे आते हैं, मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूँ। दो मिनट दे मुझे, मैं इतना ज्यादा दोबारा बनाना नहीं चाहता। ये इक्वेशन है इस, अब इस दफा आपके पास CH3COO CO2H5 + H2O CH3COO H + CH3CH2OH। ठीक है, वॉल्यूम क्या है आपके पास, 2 dm³। अभी रुक जाओ, इतनी जल्दी क्या है, मुझे पता है आपको आता है। इनिशियल मोल्स जो है वो
इस एस्टर के बहाने, इसके भी बहाने, और इक्विलिब्रियम में आपके पास जो CH कार्बोक्सिलिक एसिड है वो 0.3 है. सॉल्व द क्वेश्चन एंड गिव मी द फाइनल वैल्यू फॉर KC बाय योरसेल्फ्स. आई एम गिविंग यू बट सम टाइम. प्लीज स्टार्ट करें, उसके बाद मैं भी करूँगा. अब मुझे पता है कि आप तो बहुत लायक बच्चे हो, तो आपने कर लिया होगा यकीन ना. देखिए 0.0 करते हैं हम. इनिशियल में वन थे तो यानी कि आपके पास यहाँ पे इनकी रेशियो क्या है आपकी, वन 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 वन, ठीक है. तो ये इतना मसला नहीं होने वाला आपके लिए. ये 0.3 है तो ये 0.3, ये भी 0, ये भी 0.3, ये भी 0.3. प्लस किया प्लस किया, ये 1:1 है तो ये भी 0.3 और ये भी 0.3. माइनस करना है ना अब, तो 0.7 हो जाएगा, ये भी 0.7 हो जाएगा. इक्विलिब्रियम मोल्स आपके पास आ गए. अब इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन कैसे फाइंड करनी है, 2 से डिवाइड कर दो जो वॉल्यूम है. 0.7 डिवाइडेड बाई 2, 0.7 डिवाइडेड बाई 2, 0.3 डिवाइडेड बाई 2, 0.3 डिवाइडेड बाई 2. केसी की एक्सप्रेशन मैं नहीं लिख रहा, मैं सीधा वैल्यूज खुद करूंगा. 0.3/2 0.3/2 0.7/2 0.7/2. ये आप देख सकते हैं कि मैंने दो अलग अलग लिखे हैं. आप ये कोई और काम ये कर सकते हो ना कि आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, 0.3/2 स्क्वायर 0.7/2 स्क्वायर. आप इस तरह भी लिख सकते हो इसको, आप जो है ना वो इसको इस तरह भी लिख सकते हो. इसको फ्रैक्शन में नहीं लिखना चाहते तो 0.15 स्क्वायर और 0.7 डिवाइडेड बाय 2 क्या होता है, और 0.35 स्क्वायर, इस तरह भी लिख सकते हो, ठीक है. अब इसको सॉल्व करो तो आंसर क्या आता है, जीरो पॉइंट 183 आता है आंसर, ठीक है. यही आंसर आया है सबका. एक्सीलेंट. यूनिट्स क्या होंगे, कोई भी नहीं होंगे, नो यूनिट्स. लिख देता हूँ मैं, नो यूनिट्स, ठीक है. अब आगे आती हैं और किसी टाइप 3 क्वेश्चन, ठीक है. टाइप 2 के मैंने आपको दो क्वेश्चन करवा दिया, अब किसी टाइप 3 क्वेश्चन जो है ना वो जरा ट्रिकी है. टाइप 3 क्वेश्चन, इसके लिए मैं जो लिखता हूँ वो आप लिखिएगा. इनिशियल मोल्स आर गिवन, केसी इज गिवन, फाइंड इक्विलिब्रियम मोल्स. मोल्स एंड अज्यूम रिएक्शन मोल्स और चेंज इन मोल्स इक्वल्स टू एक्स, ठीक है. चल अब मैं लिखता हूँ क्वेश्चन एग्जाम्पल, और अब आप देखिएगा. सी ओ
प्लस एच टू ओ, सी ओ प्लस एच टू ओ, ये एच टू है सॉरी, ठीक है। इनिशियल मोल्स चेंज इन मोल्स इक्विलिब्रियम मोल्स एंड इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। मुझे आइडिया है कि मैंने आपको ऐसा एक और क्वेश्चन भी करवाना है, तो मैं एक और ग्रिड भी अभी ही ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे इसी के दम, ठीक है। मैंने आपको दो क्वेश्चन करवाने हैं इसके। अच्छा इसमें जो है ना वो केसी की वैल्यू जो है ना इस इक्वेशन में वो 1.44 है एंड वॉल्यूम इज 1 dm³। ओके इनिशियली CO2 0.50 है, H2 भी 0.50 है, अरे ये 0.20 है और ये भी 0.20 है, ठीक है। अब जो है वो आपने केसी भी फाइंड, केसी दिया हुआ इक्विलिब्रियम मोल्स फाइंड करने हैं, तो प्लीज आप कह सकते हैं उसने कह दिया था कि अज्यूम रिएक्शन मोल्स एक्स, ठीक है। तो हम कहते हैं अच्छा रेशियो क्या है 1:1:1:1, तो दैट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। रिएक्शन चेंज इन मोल्स एक्स हो गया, इधर भी एक्स इधर भी एक्स इधर भी एक्स, ठीक है। अगर इधर रेशियो चेंज होता है तो ये भी टू, अगर रेशियो यहाँ पे वन होता और यहाँ पे टू होता, सॉरी अगर रेशियो यहाँ पे वन होता यहाँ पे टू होता है तो यहाँ पे 2x हो जाता और यहाँ पे x होता, तो उस तरह रेशियो जो है वो चेंज होता रहता है। इक्विलिब्रियम मोल्स यहाँ पे माइनस करते थे तो 0.5 - x, 0.5 - x, 0.2 + x, 0.2 + x। इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन वॉल्यूम क्या है 1 dm³, 6/1 0.5 - x/1, 0.2 + x/1, 0.2 + x/1। अब जो है वो केसी फाइंड करें, केसी जो है वो किस कैसे होगा, एक्सप्रेशन में अब लिख नहीं रहा आपको आती है, लेकिन 0.2 + x/1 करें तो इतना कोई ना वो फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एनीथिंग डिवाइडेड बाय 1 विल बी 1, ठीक है 1 ही रहेगा, तो उसको जो है वो इतना फर्क नहीं पड़ने वाला। तो हम ऐसे लिख लें 0.2 + x, 0.2 + x, इसको आप 0.2 + x होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं फिलहाल इसी तरह ही लिख रहा हूँ। x 0.5 - x, केसी की वैल्यू क्या थी 1.44। अब आप किस तरह सॉल्व करेंगे मुझे बताएं, एनी आइडिया? यहाँ पे आप दो काम कर सकते हैं, इसको खोलते जाएं ठीक है और इसको बेसिक अलजेब्रा लगा के सिंपलीफाई करते रहे, ठीक है। उसमें क्या होगा आपको बहुत टाइम लगेगा, मैं करने को मैं आपको करके दिखा देता हूँ, लेकिन मैं जो है वो ये नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि दिस इज नॉट ए गुड अप्रोच, ठीक है। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा के जब आप करेंगे तो आपके ए लेवल केमिस्ट्री में एस में ए टू में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज जो है वो नहीं है, तो हम नहीं इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ नहीं जाएंगे। अगर आप चले जाते हैं तो एग्जामिनर उसको करेक्ट कर लेगा क्योंकि आंसर भी करेक्ट आ जाएगा, करेक्ट कर लेगा क्योंकि मेथड करेक्ट है, ठीक है। लेकिन वो ना करें तो बेहतर है। आप ये करें कि ये लिखा आपने 0.2 + x होल स्क्वायर लिखो,
0.5 माइनस एक्स होल स्क्वायर लिखो, और यहाँ पे आप ले लें इसका अंडर रूट, इसका ठीक है, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो गए, स्क्वायर से जान छोड़ दी। 1.44 का अंडर रूट होता है 1.2, और 0.2 प्लस एक्स ओवर 0.5 माइनस एक्स, ठीक है, 1.2 0.5 माइनस एक्स इनटू 0.2 प्लस एक्स, 1.2 इनटू 0.5 0.6 माइनस 1.2 एक्स इक्वल टू 0.2 प्लस एक्स, एक्स को एक साइड पे ले आए, सारा कुछ एक साइड पे कर दें, तो 0.6 माइनस 1.2 0.2 सॉरी इज इक्वल टू एक्स प्लस 1.2 एक्स, 2.2 एक्स इक्वल टू 0.4 एक्स की वैल्यू जो है वो आती है 0.18 मोल्स। जल्दी नहीं हो गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा के आप अभी तक करते रहते ना, तो अभी तक आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सप्रेशन भी नहीं निकलनी थी, ये जल्दी हो गया आपसे। तो ये तरीका जो है वो आपने इसको यूज करना है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है, ये समझ आ गया सब। ये एक्स क्या है, ये जो एक्स आया है ना, ये रिएक्शन मोल्स है कि चेंज कितने मोल्स है। इक्विलिब्रियम मोल्स में फाइंड करने के लिए आप 0.5 से माइनस कर दो 0.18 और 0.2 में ऐड कर दो, तो जब करोगे तो 0.318 एंड 0.381 जो है वो आपका आंसर आना चाहिए। अंडरस्टूड? वेरी गुड। मैं आपको अब एक और क्वेश्चन देता हूँ इसी यही वाला, ठीक है, वो किस किस्म का क्वेश्चन है, वो भी इसी किस्म का क्वेश्चन है, थोड़ा सा शायद डिफिकल्ट हो लेकिन तरीका यही है। क्वेश्चन है C2H5OH CH3COOH C2H5COO CH3+H2O, ठीक है, केसी की वैल्यू क्या है, 4 है, वॉल्यूम क्या है, वी। अब मैंने वॉल्यूम क्या दिया है, वी दिया, ठीक है, 1 2 3 4 नहीं दिया, वी दिया। क्वेश्चन में अच्छा रेशियो दोबारा देख लें कि इन सब की रेशियो 1 1 1 1 है, ठीक है। अच्छा इनिशियल मोल्स इसके 0.5 है, इसके भी 0.5 है, इसके 0.1 है, इसके 0.1 है, ये क्वेश्चन आप खुद करिए प्लीज, आपको टाइम दे रहा हूँ, ट्राई करें, मुझे केसी की वैल्यू नहीं तो मुझे एक्स फाइंड करके दे, ठीक है, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ। अच्छा अब मैं करता हूँ और अब आप देखिएगा, रिएक्शन मोल मैंने चेंज इन मोल्स एक्स है एक्स है एक्स है एक्स है, यहाँ पे 0.5 प्लस एक्स 0.5 माइनस एक्स सॉरी माइनस एक्स है माइनस एक्स, 0.1 प्लस एक्स 0.1 प्लस एक्स, 0.5 माइनस एक्स ओवर वी 0.5 माइनस एक्स ओवर वी 0.1 प्लस एक्स ओवर वी 0.1 प्लस एक्स ओवर वी, केसी 0.1 प्लस एक्स ओवर वी ओवर 0.5 माइनस एक्स ओवर वी स्क्वायर स्क्वायर, केसी की वैल्यू 4 है।
जो मैथ्स के लोग हैं उनको पता है कि ये वी तो कैंसिल हो गया, ठीक है, बाकी भी ये जान लेंगे वी कैंसिल हो गया, तो पीछे बची है 0.1 + x² ओवर 0.5 - x² ठीक है। अंडर रूट ले ले तो 2 आ गया, 0.1 + x हो गया 0.5 - x हो गया, ठीक है, 2 0.5 - x 0.1 + x 1 - 2x इज इक्वल टू 0.1 + x 1 - 0.1 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2x। थक गया यार मैं भी, कर 0.9 इक्वल्स टू 3x, x विल बी 0.3 मोल्स। यही आंसर आया था आपका, अगर ये नहीं आया तो दोबारा करके देखें, यही आया है, गुड हो गया। तो ये आपको समझ आ गया, वेरी गुड, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे था केसी के जितने भी क्वेश्चन थे और केसी भी जो है वो यहाँ पे खत्म होता है।